हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं फ्रैक्शनल नंबर एंड फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम। मतलब फ्रैक्शन नंबर के बारे में पढ़ेंगे और फ्रैक्शन नंबर पर क्या क्या सॉल्यूशन किए जाते हैं, मतलब फ्रैक्शन का एडिशन, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन, फ्रैक्शन का डिविजन, फ्रैक्शन के टाइप कौन से हैं, कितने प्रकार के फ्रैक्शन हैं, और साथ ही जानेंगे कि भाई फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर किया जाता है। ये हमारे फ्रैक्शन का पहला वीडियो है, इसलिए इसका नाम पार्ट वन दिया गया है और आपको ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि जब इसके ऊपर एक्सरसाइज आएंगी तो आज के वीडियो में पढ़ाई गई सारी प्रॉपर्टीज वहां पर अप्लाई होने लगेगी। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, पूरा देखना है और अच्छे से समझना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रैक्शन नंबर एंड द फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम। फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शनल नंबर मतलब क्या होता है? अपॉन वाले नंबर, जैसे टू अपॉन, ओके, जैसे 2/3 अगर मैंने यहां पर लिख दिया तो ये अपॉन में आया, मतलब इसी को फ्रैक्शन वाला नंबर कहते हैं। ठीक है, अब इसी फ्रैक्शन नंबर के फोर फंडामेंटल ऑपरेशन मतलब क्या? प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइजर, 1 2 3 4, ये फोर हो गए, इसी को कहते हैं फोर फंडामेंटल ऑपरेशन। मतलब फ्रैक्शन का एडिशन, फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन और फ्रैक्शन का डिवीजन। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं फ्रैक्शन के लिए। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इंडिकेट द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट इनटू व्हिच एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइड। द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इंडिकेट द नंबर ऑफ पार्ट कंसिडर। देखिए फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे। जैसे यहां पर है 3/5, तो फ्रैक्शन का मतलब समझ जाओ। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि इतने में से इतना, नीचे जो नंबर दिया है, ठीक है, पांच में से तीन। जैसे मान लो कि एक चॉकलेट है, किटकैट होती है ना, इतनी लंबी चॉकलेट, यस किटकैट होती है, इसके हम पांच टुकड़े कर देते, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, सिक्स पार्ट कर लिया हमने इसको, ठीक है, इसको हमें सिक्स में बदल देता हूं, ठीक है, और यहां हम कर देते 4, ठीक है। अब देखो क्या हो गया भाई, सिक्स पार्ट, एक चॉकलेट है जिसके छह पार्ट है, छह पार्ट में से चार पार्ट हमने खा लिए, तो छह में से चार, मतलब नीचे जो नंबर रहेगा, कोई भी एक चीज है जिसके छह इक्वल पार्ट है उसमें से चार पार्ट, जैसे कि 5/3 जो यहां पे दिया हुआ है, कोई एक वस्तु है, कोई एक थिंग है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसके पांच इक्वल पार्ट हुए हैं और वो इक्वल पार्ट में से तीन पार्ट ऊपर दिए गए हैं। जैसे कि 10 मार्क की यूनिट टेस्ट होती है, आप उसमें अगर 8 मार्क लेते हो तो क्या होता है कि आपने 10 में से 8 मार्क लिया, ऐसा कंसिडर किया जाता है। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, 10 क्वेश्चन 10 मार्क के लिए होंगे, आपने 8 क्वेश्चन सही सॉल्व किए तो आपको 8 मार्क मिले, मतलब 10 में से 8 आपने लिया, इसी को तो फ्रैक्शन कहते हैं। तो भाई आई होप दैट फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा। फ्रैक्शन क्या नहीं, क्या इतने में से इतना, ठीक है, पापा ने घर पे 10 चॉकलेट लेके आए, ठीक है, उसमें से 2 आपने खा लिए, 10 में से 2 आपने खा लिए, 8 बज गए, ठीक है, मतलब इतने में से इतना, दैट इज अ फ्रैक्शन, इतने में से इतना, समझ में आया। जैसे मान लो ये एक रोटी है, चपाती, उस चपाती के 4 टुकड़े किए, ठीक है, तो ये 4 कोर बन गए, इस 4 कोर में से, इस 4 टुकड़े में से आपने 3 टुकड़े खा लिए, मतलब 4 में से 3 टुकड़े आपने खाए, समझ में आया। एक चपाती है, इसके 4 टुकड़े किए, इन 4 टुकड़े में से आपने 3 टुकड़े खा लिए, आपने 3 टुकड़े खा लिए, 1 टुकड़ा बच गया, मतलब 4 में से 3 आपने खा लिया, इसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब क्या, फ्रैक्शन मतलब जैसे 3/5 यहां पर दिया हुआ, इसका मतलब होता है 3 पार्ट आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट, मतलब 5 इक्वल पार्ट में से 3 पार्ट। वैसे यहां पर देखो हमने क्या लिया था, चपाती लिया था, चपाती के 4 इक्वल टुकड़े किए थे, तो 3 3 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट, समझ में आया, 3 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट, यहां पे मेरे पीछे छुप गया है, ठीक है, 3 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट, मतलब 4 इक्वल पार्ट में से 3 इक्वल पार्ट। तो ये है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब आपको समझ गया होगा। ठीक है, अब चलिए अगला टाइप देखते हैं इसका। अब हम सबसे पहले देखेंगे बच्चों कि भाई फ्रैक्शन के ऑपरेशंस। तो चलिए फ्रैक्शन के ऑपरेशन मतलब एडिशन,
ठीक है। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, अभी हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करना, बहुत सिंपल है, ठीक है। दो तरह की मेथड बताऊंगा एडिशन करने के लिए, एक है 2/3 और मान लीजिए यहां पर है 5/7, ठीक है। ये दो नंबर, इनको आपस में हमें ऐड करना है। तो फ्रैक्शन को ऐड करने के दो तरीके, दो मेथड होती है। एक मेथड वन मैं यहां पर बताता हूं, मेथड टू हम यहां बताएंगे, 2+5/7, ठीक है। सिंपल मेथड, सिंपल मेथड क्या है, चलो देखो यहां पर कितना है 7 और यहां पर कितना है 3। सबसे पहले हमें यह देखना है बच्चों, क्या 3 के टेबल में 7 आता है, ठीक है, या फिर ओके। सबसे पहले हम आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वाली मेथड बताएंगे, बाद में इस मेथड में तीन टाइप होते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। पहले हम ये देख लें, देखो इसको सॉल्व करना, इसको ऐड करने का सिंपल तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ और 3 का मल्टीप्लाई 7 के साथ। कैसे करेंगे देखो, 2 × 7, फिर बीच में प्लस था ना तो ऊपर प्लस लगा दो, फिर 3 × 5 मतलब 3 × 5, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। देखो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और नीचे वाले का नीचे वाले के साथ, मतलब 3 × 7, तो कितना हुआ, 2 × 7 = 14 और 3 × 5 = 50 और नीचे क्या आया, 3 × 7 = 21। इन दोनों को ऐड कर लो, 15 और 14 कितना आ गया, 29 upon 21। अगर ये किसी टेबल से कटते हैं तो काटना, नहीं कटते हैं तो वैसे ही छोड़ देना। ये हमारा 29 upon 21 आ गया, ये मेथड वन है। अगली मेथड क्या है देखो, तो आई होप दैट ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया नहीं, नहीं समझ में आया है तो हम एक काम करते हैं, एक और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दिखाते। जैसे 1/3 + 2/5, ठीक है। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, 5 × 1 = 5, ये प्लस का प्लस, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 3 × 2 = 6 अपॉन नीचे वाले का मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ, 3 × 5 = 15, ऊपर वाले को ऐड कर दो, 5 + 6 कितना बच्चों 11 upon 15 ही आ गया। मतलब यहां पर अब कुछ भी कट नहीं होगा क्योंकि 11 और 15 दोनों किसी के टेबल में नहीं आते। 15 3 के टेबल में आता है पर 3 के टेबल में 11 नहीं आएगा, 5 के टेबल में 15 आता है पर 5 के टेबल में 11 नहीं आएगा, इसलिए हम इसको छोटा नहीं कर सकते, ये ऐसा ही रहेगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाली मेथड आपको समझ में आई या नहीं, पहले कमेंट में मुझे बताओ। इसके बाद देखो, अब देखेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में दूसरा टाइप क्या है, जिसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर को सेम करना। यहां पर कितना है 7 और यहां पर कितना है 3। सबसे पहले हमें यह सोचना है क्या 3 के टेबल में 7 आता है, क्योंकि 3 छोटा नंबर है 7 बड़ा नंबर है, भाई 3 के टेबल में 7 नहीं आता और ना ही 7 के टेबल में 3 आता है। तो हम क्या करेंगे, 2/3 ऐसे केस में ये नीचे वाले 7 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमने नीचे में मल्टीप्लाई की है तो ऊपर भी हमें 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा क्या है 5/7, ठीक है, 2/3 5/7। अब यहां पर हमने इस वाले नंबर में हमने 7 से मल्टीप्लाई किए, तो इस वाले नंबर में हम नीचे वाला जो 3 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2/7 जा कितना होगा बच्चों 14 प्लस 3/5 जा कितना हुआ 15। उसके बाद 3/7 जा कितना होता है, सॉरी 14 और ये 15, ठीक है। अब देखो 2/7 = 14 हुआ, 3/7 = कितना होता है 21, ठीक है, ये प्लस यहां नहीं, प्लस यहां बीचों बीच में लगेगा, और 3/7 = कितना होता है 21। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गए, क्या किया हमने, डिनोमिनेटर सेम किया। अब डिनोमिनेटर सेम किया तो क्या होगा, सिर्फ ऊपर वाले नंबर को प्लस करेंगे, जैसे 14 + 15 और नीचे वाला नंबर दोनों सेम है ना, एक ही बार लिखेंगे,
ऐसा जब होगा, जब मान लो आपके पास बहुत सारे फ्रैक्शन है, जैसे 2/3 प्लस 4/3 प्लस 5/3 प्लस 6/3 प्लस 7/3, इसका भी अगर एडिशन करना है ना तो बहुत सिंपल है। पता है क्या करना पड़ता है? ऊपर वाले सभी का एडिशन करो, 2+4+5+6+7, और नीचे में 1 2 3, ये 3 सब में 3 है, चाहे कितनी भी बार हो, सिर्फ एक ही बार लिखना, सिर्फ एक ही बार लिखना, खत्म। वैसे यहां पर 14+15 कर लिया हमने, 21 को एक ही बार लिखा था, 14+15 कितना हुआ, 29/21। देखो इधर भी वही आंसर आया था पहले, अभी भी वही आंसर आया। तो ये है एडिशन, फ्रैक्शन का एडिशन करने का तरीका। अब फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन देखेंगे। फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही होता है बच्चों, सेम इसी पोजीशन में, इसी टाइप से होता है। जैसे मान लो हमने यहां पर लिखा 2/3 माइनस, ठीक है, यहां पर हमने लिखा 4/5, ठीक है, इन दोनों का क्या करना है भाई, सब्ट्रैक्शन करना है। तो वही सेम मेथड, 2/3 4/5, आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 5 2 जा कितना होगा 10, माइनस 3 4 जा कितना होगा 12, और 3 5 जा कितना होगा 15, है ना, कितना इजी, 12 में से 15 गए, 2 बचा, ये माइनस वाला नंबर बड़ा है तो -2 बचेगा, तो ये आ गया आंसर 2/15। ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसी को अगर हम डिनोमिनेटर सेम करके सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 2/3 माइनस 4/5, यहां पर ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पर ऊपर नीचे इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 5 कितना होता है 10, माइनस 4 3 कितना होगा 12, और ये 3 5 कितना होगा बच्चों 15 होगा, है ना, तो यहां पर भी 15 आएगा और यहां पर भी 15 आएगा। अगली स्टेप में क्या होगा, 10 में से 12 गया, 2 बचा, 15 दो बार है तो एक ही बार लिखो। देखो ये भी सेम वही आंसर है और ये भी वही सेम आंसर है, समझ में आ रहा है। आप चाहे तो इस मेथड को यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई वाली मेथड कहते हैं और इसे डिनोमिनेटर को सेम करने वाली मेथड कहते हैं, समझ में आया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम करने का एक और तरीका हम आपको बताते हैं। डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत आपको सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पड़ेगी, उसके अलावा डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में नहीं पड़ने वाली है, उसका डिनोमिनेटर सेम करने से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखो, हम आपको डिनोमिनेटर की एक और मेथड बताते हैं। जैसे मान लो अगर 2/3 है प्लस 5/6 है, तो यहां पर देखो 3 और 6 ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल में आता है, तो ऐसे केस में हम 6 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे नहीं करेंगे, हमें क्या करना है, हमें किसी भी हालत में डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो 2/3 प्लस 5/6, तो डिनोमिनेटर सेम ही करना है ना हमें, हमारा मसला क्या है, हमारा सॉल्यूशन क्या, हमारा प्रॉब्लम क्या, डिनोमिनेटर को सेम करना। तो हम क्या करेंगे, 2 में ऐसा कौन सा नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 3 में ऐसा कौन सा नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 6 हो जाए, भाई हम 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, बराबर है, हमने नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 2 सॉरी 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, ठीक है, और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 6। क्या करेंगे, 4 प्लस 5 4 प्लस 5/6, क्या आएगा आंसर बच्चों, 4 प्लस 5 9 9/6। इसमें ये वैल्यू और छोटी हो सकती है, कैसे, 3 के टेबल से ये 2 टाइम, 3 के टेबल से ये 3 टाइम, फाइनल आंसर क्या होगा, 3/2। तो देखो डिनोमिनेटर सेम करने का एक और आसान तरीका क्या था, इस वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये वाला नंबर है ये इसके टेबल में आता है, समझ में। वैसे ही अगर उल्टा अगर इधर भी दिया है, मान लो अगर यही ऐसा होता 5/6 प्लस 2/3 ऐसा होता, तो हम क्या करते, हम 3 के टेबल में 6 आ रहा है तो हम वही करते, 5/6 प्लस 2/3, इधर 2 का मल्टीप्लाई इधर 2 का मल्टीप्लाई, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो 5/6 और ये भी क्या हो जाता 4/6, ठीक है, 5 प्लस 4 9, और 6 एक ही बार कट कर देंगे, 3 से 3 टाइम, 3 से 2 टाइम, 3/2, है ना, कितना इजी। तो ये था, अभी हमने आपको बता दिया कि जो डिनोमिनेटर होते हैं, डिनो मतलब जो फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं, उसका एडिशन और उसका सब्ट्रैक्शन हमने दोनों पर बात कर ली। अब हम बात करेंगे इनका मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन।
देखो बच्चों, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है। जैसे 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5/6। मल्टीप्लाई करना यानी देखो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझो। अगर 2/3 है, इसका मतलब 3 से 2 को डिवाइड करना, इनके बीच में डिवाइड होता है। ये अपॉन का मतलब क्या होता है पता है, इनके बीच में डिवाइड होता है। जैसे कि 10/2 है, इसका मतलब 10 को 2 से डिवाइड करना, यही होता है इसका मतलब। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इसका आंसर आता है 5। समझ में आया? तो ये अपॉन का मतलब भी होता है डिवाइड। अब ये चीज हमें यहां पर कैसे लगानी, जैसे देखो अब ये मल्टीप्लाई में है, ये सारी की सारी चीजें मल्टीप्लाई में है। जब नंबर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होते हैं तो वो अलग अलग कहलाते हैं। जैसे कि 2 + 2/3 + 5/6, ये अलग अलग नंबर है, ये अलग नंबर है और ये अलग नंबर है। अगर इसके साथ अगर मैं 1/4 जोड़ू तो ये अलग नंबर है, इसके साथ अगर मैं 5/3 जोड़ू तो ये अलग नंबर है। पर मल्टीप्लाई में हम कितने भी नंबर जोड़े, जैसे हम यहां पर 1/4 जोड़ दे या हम 5/3 जोड़ दे, तो अगर देखें तो ये पूरे का पूरा एक ही नंबर है, ये अलग अलग नंबर नहीं है। एडिशन और माइनस, सब्ट्रैक्शन और एडिशन में ऐसा होता है कि ये सारे नंबर अलग अलग कहलाते हैं, पर वही अगर मल्टीप्लीकेशन की बात आई तो नंबर अलग अलग नहीं कहलाते, वो सारे के सारे नंबर एक ही होते हैं, चाहे मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो। तो ये पूरा एक ही नंबर है, तो ये एक ही नंबर है तो 2 3 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर 2 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो 2 2 से अगर 3 को डिवाइड कर सकते हैं तो 2 से 6 को भी डिवाइड कर सकते हैं और 3 से 5 को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ऊपर वाले नंबर का नीचे वाले के साथ डिवाइड होगा, ऊपर वाले नंबर का नीचे वाले के साथ डिवाइड होगा, और ऊपर ऊपर और नीचे नीचे के साथ मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, क्योंकि ये क्या है, मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर ऊपर वाले नंबर का होगा, पर हम चाहे तो इनको आपस में डिवाइड करके क्रॉस भी कर सकते हैं। जैसे इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका हमारा क्या होगा, जितना छोटा हो सके पहले ही कर लो। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब ऊपर क्या बचा, 5 5 1 जा 5, और नीचे बचा 3 3 जा 9। हो गया ये सॉल्व फ्रैक्शन, ये सॉल्व हो गया खत्म। अगर ऐसा ही आपको मल्टीप्लाई वाला फ्रैक्शन है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, जैसे 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5/4 मल्टीप्लाई बाय 6/8 मल्टीप्लाई बाय 9/3, तो हम क्या कर सकते हैं, मैं इस 2 से इस 4 को कर सकता हूँ 2 टाइम, मैं इस 3 से इस 6 को कट कर सकता हूँ 2 टाइम। समझ में आया? मैं इस 3 से इस 9 को कट कर सकता हूँ 3 टाइम, जिससे जो कट हो सकता है काटो। फिर हम इस 2 से इस 2 को कट कर सकते हैं। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा सिर्फ 5, और नीचे क्या बचा, वही नीचे बचा 8। आंसर क्या है, 5/8। ये होता है मल्टीप्लीकेशन किसका, फ्रैक्शन का, ठीक है। और अगर कुछ कटता वटता नहीं है, मान लो कुछ भी कटवट कुछ कैंसिल नहीं होता, जैसे 1/3 है मल्टीप्लाई यहां पर लिखे 2/4 लिखे, नहीं सॉरी 2/5 लिखे, अब ये कोई भी किसी के टेबल में नहीं आता तो क्या होगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 3 5 जा 15, बस खत्म, ये हो गया। तो मल्टीप्लीकेशन के ये टाइप होते हैं। फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन किस किस तरह से होता है, कहीं पर काट पीट के हम छोटा कर सकते हैं उसको, ठीक है, वही के वही, या फिर हम उसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते। अब देखो, अब मैं हमेशा आपको, मैंने ये बोला है कि जब भी आप फ्रैक्शन करते हो, जैसे 3/5 है मल्टीप्लाई 15/6 है, आप चाहे अगर मान लीजिए आपने यही पर कट नहीं किया तो ये क्या होगा, देखिए 3/5 मल्टीप्लाई बाय 15/6, 15 3 जा कितना होगा, 15 3 जा हो जाएगा 45, और 5 6 जा हो जाएगा 30। अब क्या करोगे, अब इसको अब काटोगे 15 से 2 टाइम, और इसको काटोगे 15 से 3 टाइम, और आंसर क्या मिलेगा हमें, 3/2। पहले हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया और उसके बाद बड़े नंबर हो गए फिर उसको काटा। चलो ये छोटे नंबर है, सिंपल है, इजीली 15 के टेबल में आ गए, हमें याद था डिवाइड कर लिए, नहीं होता 15 का टेबल ऐड तो कैसे करते। मान लो ये नंबर बहुत बड़ा होता तो कैसे करते, ये नंबर 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट वाला होता तो कैसे करते। इसलिए हमको क्या करना है, नंबर को यहीं पर छोटा कर देना, क्योंकि छोटे नंबर है ना, छोटे टेबल हमें आते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15,
इधर क्या बचा, वन वन इंटू थ्री कितना होता है थ्री, अपॉन टू वन जा टू, टू वन जा कितना होगा टू इंटू वन, टू ही होगा, ये हो गया थ्री अपॉन टू। देखो सेम आंसर है, ठीक है। तो इसलिए फ्रैक्शन को वही के वही सॉल्व करना है। अब इसके बाद हम करेंगे फ्रैक्शन का डिवीजन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे होता है, देखो थ्री अपॉन टू डिवाइड बाय फाइव अपॉन सिक्स, मान लीजिए हमने इस तरह के एक नंबर ले लिया, तो अब ये डिवाइड जो है, ये डिवाइड पता है कैसा है, इसका डिवाइड इसके साथ, इसका डिवाइड इसके साथ, ठीक है, इसका डिवाइड इसके साथ, इसका डिवाइड इसके साथ, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपको डिवीजन हार्ड जा रहा है, डिवीजन मुश्किल थोड़ा सा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई में बदल दे तो कितना इजी हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है फ्रैक्शन का, क्योंकि सट सट काट पीट तो करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसको बोलते हैं, अभी हम बात करें इनवर्स प्रोपोर्शन की, इनवर्स इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब बता, अगर हम 2 अपॉन 3 है तो 2 अपॉन 3 का इनवर्स हो जाएगा 3 अपॉन 2, मान लो 5 अपॉन 6 है, इसका इनवर्स लिखेंगे तो हो जाएगा 6 अपॉन 5, ठीक है। तो जब भी डिवाइड की बारी आएगी तो एक नंबर वैसे ही रखना, 3 अपॉन 2 को हम वैसे ही रखेंगे और 5 अपॉन 6 का इनवर्स कर लेंगे, तो 6 ऊपर लिखेंगे 5 नीचे लिखेंगे, और जब ऐसा होगा तो ये डिवाइड कट के मल्टीप्लाई बन जाएगा। क्या समझ में आया, ये डिवाइड से हटके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब भी फ्रैक्शन का डिवीजन है आप क्या कर लो, एक नंबर को जैसे के वैसे रखो, देखो इसको हमने जैसे का वैसे रखा, दूसरे नंबर को ऊपर नीचे अल्टी पल्टी कर दो और साइन हो जाएगा चेंज, अब कट जाएगा आराम से, टू से थ्री टाइम, थ्री थ्री जा नाइन और ये फाइव, हो गया आंसर आ गया। तो ये होता है डिवीजन फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन का डिवीजन करने के लिए हमें नंबर को इनवर्स करना पड़ता है, जैसे हमने इनवर्स किया सीधा वो मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, है ना, कितना आसान। चलिए तो ये थे भैया फोर फंडामेंटल ऑपरेशन, किसके, फ्रैक्शन के, जिसमें हमने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा, डिवीजन देखा। अब हम फ्रैक्शन के टाइप को देखेंगे, फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उनके टाइप होते हैं। तो देखिए फ्रैक्शन जो होते हैं थ्री टाइप के होते हैं, देयर आर थ्री टाइप ऑफ फ्रैक्शन। पहला फ्रैक्शन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन विथ अ न्यूमरेटर हैज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसे मान लो प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या होगा, अ फ्रैक्शन विद द न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर वाला जो होगा वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब क्या, फ्रैक्शन यानी वो नंबर जिसे सॉल्व नहीं किया जा सकता, जिसको डिवाइड करने पर पूरा पूरा आंसर नहीं मिलेगा, उसे फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। मैं रुक गया हूं थोड़ा, वन मिनट। देखो फ्रैक्शन मतलब क्या, फ्रैक्शन मतलब वो नहीं जो सॉल्व हो जाए। जैसे मान लो अगर ऊपर 8 है नीचे 2 है तो 2 से 8 4 टाइम कट जाएगा, आंसर क्या आया 4, तो ये फ्रैक्शन हुआ ही नहीं। मान लो भाई ये 8 अपॉन 2 फ्रैक्शन में लिखा है पर एक्चुअल सॉल्व करने के बाद आंसर पॉइंट में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये फ्रैक्शन है ही नहीं, ये फ्रैक्शन हुआ ही नहीं, फ्रैक्शन कैसे हो जाएगा। फ्रैक्शन मतलब वो जो हमेशा अपॉन में रहे, जैसे कि 1 अपॉन 2 अगर मैं करूं तो ये है असली फ्रैक्शन, क्योंकि 2 बड़ा है 1 छोटा है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पता क्या आंसर आएगा 0.5, ये है असली फ्रैक्शन, ये है असली फ्रैक्शन, समझ में आया। तो जब भी डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा मतलब नीचे वाला नंबर, और न्यूमरेटर छोटा रहेगा मतलब ऊपर वाला नंबर, तो जहां ऊपर का नंबर छोटा नीचे का नंबर बड़ा उसे कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, ये होगा असली फ्रैक्शन जो सॉल्व ना हो, जो सॉल्व ना हो, ठीक है। ऊपर का नंबर छोटा नीचे का नंबर बड़ा, दैट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आया बच्चों। अब चलिए बताते हैं आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, ठीक है। अगला है देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब नीचे वाला नंबर, जैसे कि मान लो नीचे नंबर छोटा, चाहे आंसर पॉइंट में आए या ना आए इससे कोई लेना देना नहीं है, ऊपर वाला नंबर बड़ा क्यों है, ऊपर वाला नंबर बड़ा क्यों है भाई, ऊपर वाला नंबर बड़ा हो गया नीचे वाला नंबर छोटा हो गया, मतलब नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को आसानी से डिवाइड किया जा सकता है,
और आंसर वन के वन से ज्यादा आएगा। जो इम जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, जैसे मान लो अगर मैं 1/2 की बात करूं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन जब पिछले टाइम देखे थे, इसका आंसर क्या आएगा 0.5। मतलब ये पूरा 1 कंप्लीट होने ही नहीं देगा, कभी भी ये 1 को कंप्लीट होने ही नहीं देगा। मान लो अगर अपन 30/50 है तो भी 50 की टेबल में 30 आता ही नहीं, आंसर जो है 0. कुछ तो भी रहेगा, पूरा का पूरा 1 नहीं होने देगा। पर वही अगर 20 को अगर हम 19 से डिवाइड करते, सबसे पहले तो 19 तो आ ही गया, बचा कितना, बचा 1, फिर पॉइंट लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, फिर पॉइंट लगा के इसे। पर नंबर ना 0 के पहले 1 आ गया ना, 0 नहीं आया ना, समझ में आया? तो ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब भी किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर वाला नंबर बड़ा और नीचे वाला नंबर छोटा हो गया तो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये सही फ्रैक्शन नहीं है। तो ये समझ गया, फ्रैक्शन के दो टाइप हमने देखे, पहला प्रॉपर और दूसरा इम्प्रॉपर। अब दूसरा देखेंगे मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं, जैसे मान लो अगर हमने कोई नंबर लिया 15/3, ये हमने नंबर लिया, तो अब देखो, सॉरी 15/3 नहीं, हम क्या लिखेंगे 15/4 लेंगे, क्योंकि 3 से 15 को पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बनेगा। अब 4 के टेबल में 15 आता है क्या बच्चों? नहीं आता। तो हम इसको तोड़ के क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे, 4 को नीचे रखो, 4 के टेबल में 15 से छोटा नंबर कौन सा है जो आता है, 4 के टेबल में 15 से छोटा नंबर आता है 12, जो 4 के टेबल में आता है। तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 12+3 लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं या नहीं, कमेंट में बताओ। हम 15 को 12+3 लिख सकते हैं, 12+3 में यानी 15 होता है। अब ये 12, 4 के टेबल में 12 कितने टाइम आता है, 3 टाइम आता है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 डिवाइड बाय, तो देखो है ना, हमने क्या किया, 15 को हमने तोड़ दिया 12+3 में, 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम, अब ये 3 इधर बच गया, हमने क्या किया 12 को 3 में कन्वर्ट कर दिया, ध्यान रखना, ध्यान से समझना, हमने क्या कर दिया है 12 को 3 में कन्वर्ट कर दिया, और ये वाला 3 यही रहेगा और ये 4 जैसा का वैसा। इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है, 3/4 इसका मतलब होता है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/4 = 15/4, ठीक है, ये होता है मिक्स फ्रैक्शन।
समझ में आया मिक्स फ्रैक्शन। चलो एक और एग्जांपल देखिए मिक्स फ्रैक्शन का। चलो अगर हम लिखे 20 और 20 अपॉन हमने 9 लिखा, तो ये 9 के टेबल में 20 नहीं आता, तो क्या करेंगे ना, 20 को हम तोड़ सकते हैं 18 प्लस 2 अपॉन 9, ठीक है, या 20, ठीक है, तो इसको क्या होगा 18, 9 के टेबल में कितने टाइम आता है 2 टाइम, तो 2, और ये वाला 2 ये है, ठीक है, और ये जो 18 है ये है, और ये अपॉन में 9, ठीक है, 9 टू जा क्या हुआ ये, इसको वापस सॉल्व करेंगे तो क्या 9 टू जा 18 प्लस 2 20, ठीक है। चलो एक और ले लेते हैं, मान लो अगर हमने लिया 25 और हमने लिया डिवाइड बाय 4, ठीक है, या हमने लेते डिवाइड बाय 6 ले लिया हमने, समझो, ठीक है, फिर 6 के टेबल में 25 नहीं आता, तो 6 से छोटा नंबर क्या है, 25 से छोटा नंबर जो 6 के टेबल में आता है वो है 24, तो क्या हो जाएगा, हम इसको तोड़ेंगे 24 प्लस 1 डिवाइड बाय 6, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 6 के टेबल में 24 कितने टाइम आता है 4 टाइम, 6 4 जा तो 4, और ये 1 यहां पर और ये 6 जैसे का वैसा, तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 6, इसका मतलब क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 6, इसका मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 9, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 4, समझ में आया, तो ये देखो ये बन गया मिक्स फ्रैक्शन, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 मिलेगा, प्लस 1 करेंगे उसमें, तो ऐसा जब भी मिक्स फ्रैक्शन लिखते हैं तो ये जो प्लस वाला जो साइन होता है ये हट जाता है बच्चों, इसलिए मिक्स ये ऐसे दिखाई पड़ता है, और इसी टाइप को कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। आई होप दैट आपको मिक्स फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। मिक्स फ्रैक्शन में सारे नंबर रहेंगे अपॉन में, ठीक है, अ मिक्स फ्रैक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एक्सेप्ट जीरो एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में कभी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा, मिक्स फ्रैक्शन में कभी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा, और मिक्स फ्रैक्शन में कहीं पर भी जीरो कभी नहीं होगा, ठीक है, जीरो मिक्स फ्रैक्शन में कहीं पर भी आपको जीरो नहीं मिलेगा और प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जैसे मान लो यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 4 है, इसको मिक्स फ्रैक्शन कर ही नहीं सकते, क्योंकि 4 के टेबल में 3 आता ही नहीं है ना, तोड़ेंगे कैसे, हाँ अगर ये 5 होता और ये 4 होता तो मिक्स फ्रैक्शन कर सकते थे, क्योंकि क्या होगा 5 को हम तोड़ सकते हैं 4 प्लस 1 अपॉन 4, 4 के टेबल में 1 टाइम आएगा तो 1, और ये वाला 1 लिखेंगे और ये 1 बाय 4 हो जाएगा, समझ में आया, तो ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन, पर इसको नहीं कर सकते ना, क्योंकि 3 को हम तोड़ ही नहीं सकते इतना कि एक वैल्यू 4 की निकल जाए, ये ऑलरेडी 4 से छोटा है, तो जब भी मिक्स फ्रैक्शन की बारी आएगी तो उसमें हमेशा ध्यान में रखना जीरो नहीं होगा और प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगी। तो ये था अभी तक का, हमने क्या समझा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन और साथ में टाइप ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे, अगला टॉपिक है हमारा कंपेयरिंग फ्रैक्शन, कंपेयर कंपेयर फ्रैक्शन या हम कंपेयरिंग फ्रैक्शन लिख सकते हैं। कंपेयर करना मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये 3 है और ये 5, कंपेयर करना मतलब क्या होता है, बताना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, 5 बड़ा है 3 छोटा है। कंपेयर करने के लिए हम हमेशा ये साइन या इक्वल का साइन, इन तीनों साइन का यूज करते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, इसी से हम कंपेयर कर सकते हैं। नंबर को कंपेयर करना आसान है, फ्रैक्शन को थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है, ठीक है। मान लो अगर नीचे कोई नंबर है, नीचे अगर है 3, यहां पर भी है 3, ठीक है, ऊपर है 4 और यहां पर है 5, तो बताओ कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा। अब कैसे पता करेंगे, बहुत इजी है, अगर डिनोमिनेटर सेम है, याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला नंबर जो बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, समझ में आया, जैसे 12 अपॉन 4, 8 अपॉन 4, जिसका डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ऊपर वाला नंबर जो बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा,
इतनी बात समझ में आई? नीचे वाला नंबर अगर सेम है तो ऊपर वाले नंबर को कंपेयर करना, समझ में आया? फिर से एक अलग तरीके से बताऊं, जैसे यहां पर है 9/2, 9/3, सॉरी, इसको हम 8 कर देते हैं और इसको हम 3 कर देते हैं, ठीक है, 9/3, 8/3, ठीक है। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो देखो ऊपर में कौन बड़ा है, 8 बड़ा है कि 9 बड़ा है, ऑब्वियसली 9 बड़ा है, तो भाई ये नंबर बड़ा होगा। अब समझ में आया कंपेयरिंग फ्रैक्शन? हाँ, ये हो गया बात कि डिनोमिनेटर जब सेम होता है। अब हम बात करेंगे जब न्यूमरेटर सेम होगा, मतलब ऊपर वाले नंबर सेम होंगे, ठीक है। देखो मान लो ऊपर वाले नंबर सेम है, जैसे 3/4, 3/5, जब ऊपर वाले न्यूमरेटर सेम होते हैं तो नीचे वाला नंबर जो छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा, समझ में आया? जैसे 6, नीचे लिखा है 2 या लिखा है 4, ठीक है, ऊपर वाले नंबर सेम है तो छोटा नंबर कौन सा है इसमें, ये 2 छोटा है, 2 छोटा है मतलब ये पूरा का पूरा जो फ्रैक्शन है ये बड़ा होगा, समझ में आया? फिर से करें, 9 कितना है, 8, और यहां पर है 10। जो नंबर छोटा, अगर ऊपर वाले नंबर सेम है तो नीचे वाला जो नंबर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा। इतना समझ में आया? तो ये था भाई फ्रैक्शन दो तरह के हमने देखे, एक अगर ऊपर वाले नंबर सेम है तो कैसे पहचानना, अगर नीचे वाले नंबर सेम है तो कैसे पहचानना, ठीक है। अब एक और टाइप देखेंगे दोस्तों, अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से देखना। जैसे मान लो 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे कुछ नंबर दिए गए, ठीक है, लाइन से, या लाइन से नहीं भी हो तो असेंडिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं, और यहां पर डिवाइड किया, जैसे 12 इसको मान लो 11 से डिवाइड किया, इसको 12 से डिवाइड किया, इसको 13 से डिवाइड किया, इसको 14 से डिवाइड किया, इसको 15 से डिवाइड किया, 11/12, 12/13, 14/13, 15/14, 16/15, इन सब में सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा? तो हमेशा ध्यान में रखना, जिसका डिनोमिनेटर, जब ऐसे लाइन से पूरे नंबर हो तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा, इन सब में वो अकेला वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। समझ में आया? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, इन सबसे बड़ा यही पहला वाला फ्रैक्शन होगा जो सबसे छोटा है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा। इसको अगर इधर मान लो ये ऐसा ना होता, मान लो ये ऐसा ना होता, बीच में और ऐसा ले, ये वाला अगर 12/11 यहां डाल दिया होता तो हम वही देखते ना भाई, सबसे छोटा कौन सा है इन सब में, ऊपर वाले वैल्यू में सबसे छोटा कौन सा है, 12, और उसके नीचे कौन सा है सबसे छोटा, 11, समझा? तो ये सबसे छोटा जिस जो है वही जो रहेगा वो बड़ा रहेगा। ये हो गया कंपेयरिंग फ्रैक्शन का तरीका। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर ऊपर वाले नंबर सेम है, नीचे वाले नंबर सेम है, हम आसानी से पहचान लेंगे क्योंकि आपने तरीका बता दिया, सेम हो ही ना तो क्या करेंगे भाई, उसके लिए सेम करेंगे। जैसे 2/3 है और यहां पर 4/5 है, तो या तो आप नीचे वाले को सेम कर लो या तो आप ऊपर वाले को सेम कर लो, जैसी आपकी मर्जी, ठीक है, या तो आप नीचे वाले को सेम कर लो या ऊपर वाले को सेम कर लो। इसी में अगर हमें ऊपर वाले को सेम करना है तो क्या करेंगे, ये 4 है, इस 2 में 4 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इस 4/5 को वैसे ही रख दो, इस 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर मल्टीप्लाई किए तो नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। अब बताओ कौन सा बड़ा, ये वाला बड़ा, समझ में? इसमें हम बता सकते थे क्या कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, नहीं बता सकते, इसमें हमने बता दिया कि ये फ्रैक्शन बड़ा है। अब मान लो हमको नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम करना तो क्या करेंगे भाई, इसमें कोई 3 ना 5 के टेबल में आता ना 5 3 के टेबल में आता है, तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, लिखो 2/3, इधर लिखो 4/5, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2/5 = 10, ये हो जाएगा 15, ये कितना होगा, 4/3 = 12, और ये हो जाएगा 15।
जब डिनोमिनेटर सेम रहते हैं तो ऊपर वाला नंबर जो बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, तो हो गया इधर वाला नंबर बड़ा। इसमें भी देखो इधर वाला नंबर बड़ा मतलब ये बड़ा, इधर वाला नंबर बड़ा मतलब ये वाला बड़ा। समझ में आया? तो ये थे पूरे टाइप फ्रैक्शन के इस वीडियो। ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, 40 मिनट का गया है, और इस वीडियो में हमने सब कुछ देखा है फ्रैक्शन का, पूरा फ्रैक्शन हमने समझा है, फ्रैक्शन का एडिशन दिखा है, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन दिखा है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई दिखा है, फ्रैक्शन का डिवाइड दिखा है, फ्रैक्शन के तीनों टाइप देखे हैं, और फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे किया जाता है वो भी देखा है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और इस वीडियो में हमने जितना आपको समझाया सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था, इसके बाद हम पार्ट सेकंड करेंगे जिसमें हम करेंगे आपका 3.1 असाइनमेंट, ठीक है, और उसमें हम जितने भी क्वेश्चन है वो सारे करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करो जो भी नवोदय में हिस्सा लेकर पार्टिसिपेट करके अच्छे मार्क्स से पास होना चाहता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और जाते जाते एक बात कहूंगा बच्चों, आप जो इस वीडियो को देख रहे